नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना संकट के बीच देश आज से 68 दिन के लॉकडाउन के बाद नए नियमों के साथ अनलॉक हो गया। आज से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए आजाद हैं। केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें कि अनलॉक 1 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगे। अनलॉक 1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 में काफी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं शुरू होंगी और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। तो लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद आज से पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें कि अनलॉक 1 पूरे देश में आज से लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। जी हां, और आज अनलॉक 1 का पहला दिन था और बाहर जो है काफी चहल पहल भी देखने को मिली। जिस तरीके से कुछ छूट दी गई है, कुछ नहीं हम बहुत कह सकते हैं इसमें कि बहुत सी छूट अनलॉक 1 में दी गई है, यानी कि 5.0 में छूट दी गई है, जिसको देखते हुए आज पहले दिन काफी ज्यादा चहल पहल देखने को मिली। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद आज से पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें कि अनलॉक 1 लागू हो गया, ये अनलॉक 1 नाम क्यों दिया गया? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा अब्दुल कि तकरीबन दो महीने से ज़्यादा देश पूरा लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद आज कुछ नहीं बहुत सारी छूटें दी गई हैं। छूट के साथ साथ जो आवागमन है, हालांकि ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो निजी वाहन से किसी और जनपद या किसी और राज्य में जाना चाहें वहां जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में कुछ शर्तें भी रखी हैं। शर्त जो है सोशल डिस्टेंस और इसी के साथ साथ सैनिटाइज़र और मास्क लेना अनिवार्य है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट भी पूर्ण रूप से खोल दी गई हैं और मार्केट में भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। और अगर हम धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद या मज़ार की बात करें तो वो भी उन पे भी फैसला हो चुका है और 8 जून से वो भी सशर्त खोली जाएंगी। रेहान, अनलॉक 1 का पहला दिन था आज, तो क्या माहौल दिखा बाहर आपको? जी बिल्कुल, जो सड़कें 2 महीने से या यूं कहें जो ऑफिस 2 महीने से वीरान थे, आज उनमें काफ़ी चहल पहल है। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो आज अपने अपने कार्य पे निकले, और हालांकि इसी साथ साथ बताना चाहूँगा सचिवालय को भी पूर्ण रूप से खोल दिया गया है और आज जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनका आज पहला दिन था। अच्छा रेहान, 8 जून से सभी धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस तैयार की गई है, क्या इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, 8 जून से जो धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो वहाँ पर भी जो सोशल डिस्टेंस है इसको मेंटेन करना होगा और इसी के साथ साथ एक बार में कम लोगों को एंट्री मिलेगी और जो बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, जो लोग आएंगे, जो जायरीन आएंगे, यूँ कहें जो लोग आएंगे वहाँ पर, उनको पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा, इसके बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। धन्यवाद रेहान आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज देश में अनलॉक 1 का पहला दिन था और पहले दिन को देखते हुए काफी ज्यादा बाहर भीड़भाड़ दिखी और सड़कों पर लोग दिखे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन 4.0 से ये अनलॉक 1 काफ़ी ज़्यादा अलग है और बहुत सी छूट जो है जनता को इसमें दी गई है। यहाँ तक कि 8 जून की बात करें अगर हम, तो 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वो भी जो बंद थे इतने दिनों से वो भी अब खोलने के जो आदेश हैं वो आ चुके हैं, वो भी जो है अब खुलेंगे। रही बात बाज़ार की हम बात करें अगर, तो बाज़ारों में भी बहुत सी दुकानें जो पहले से बंद थी, बाज़ार बंद थे, वो भी लॉकडाउन 5.0 में खुलेंगे।